हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस आपने देखा होगा कि अभी लास्ट संडे यू पी एस सी के प्रिलिम्स कंडक्ट हुए राइट सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दो पेपर जी एस वन एंड जी एस टू बोथ सी सेट भी उसमें इंक्लूडेड है एंड ऑल योर अदर सब्जेक्ट तो जस्ट ट्राई टू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर ताकि हमें पता चले कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है राइट right? आपका स्टेट सिविल सर्विस उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट आने वाले टाइम में जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो ज्यादा बढ़ाया जाएगा राइट right? वो ज़्यादा थोड़ा अप किया जाएगा डिफ़िकल्ट किया जाएगा तो वो एक चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना है और आपकी जो प्रैक्टिस है आपके जो रिविजन सेशन है वो आपको अपने एंड से बढ़ाने हैं ओके सो लेट स्टार्ट टूडेज करंट अफेयर्स लेक्चर एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द कोट फ्रॉम विलियम आर्थर वॉर्ड उन्होंने कहा था स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग वर्क वाइल अदर्स आर लूफिंग प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग एंड ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग ओके देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है अगर मैं सुबह दस बजे उठकर रात को दस बजे अगर सो जा रहा हूँ तो ये तो सारी दुनिया कर रही है मैं किस तरीके से दुनिया से अलग रहूँगा मैं क्या अलग काम कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होऊँगा या मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ पाएगा ओके okay, सो so वो आपको तय करना है कि अगर दुनिया दस बजे उठ रही है तो मुझे सात बजे उठ कर तीन घंटे एक्स्ट्रा में अपना काम करना है अदरवाइज़ नॉर्मल काम तो सब लोग कर ही रहे हैं राइट right? तो आपकी जो प्रिपरेशन है आपका जो रिविजन है आपके जो टेस्ट सीरीज़ है उसको एनालाइज़ कीजिए उसको री कीजिए खुद से खुद से बड़ा टीचर कोई नहीं होता ये याद रखिए हमेशा खुद से बड़ा री एवेल्युटर कोई नहीं होता राइट right? तो आपकी गलतियों को खुद ढूंढिए और जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट अस तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है राइट right? शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में हल्का सा आपके साथ डिस्कस किया था एंड दैट इज़ रिलेटेड टू आर्मेनिया अजहरबैजान कॉन्फ्लिक्ट तो दो कंट्रीज़ है जिनके बीच में मिडल ईस्ट के दो कंट्रीज़ है बेसिकली तो उनके बीच में पिछले एक हफ्ते से दस दिनों से मिलिट्री एक्शंस चल रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर एक एरिया को लेकर जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर स्टैंड ऑफ होते रहते हैं युद्ध होते रहते हैं राइट इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख है अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स को लेकर स्टैंड ऑफ होते रहते हैं बट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टैंड ऑफ़ दिस इज एक्चुअल मिलिट्री एक्शन ओके एक दूसरे के जो मिलिट्री ठिकाने उनको उड़ाए जाने तक की बात अब स्टार्ट हो चुकी है तो धीरे धीरे ये वन काइंड ऑफ अ वॉर में कन्वर्ट होता जा रहा है दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान सो रिसेंटली टेरिटोरियल डिस्प्यूट टेरिटोरियल का मतलब है रीजन के लिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिस्प्यूट है उसको हम क्या कहेंगे टेरिटोरियल डिस्प्यूट

कोकेसस माउंटेन कहा जाता है तो वो पूरे माउंटेन रेंज के आसपास ये एरिया बसा हुआ है सो आर्मेनिया एंड अज़रबैजान आर पार्ट ऑफ ट्रांस कोकेशिया और साउथ कोकेशिया सदर्न कोकेसस माउंटेन और ऑन बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया कंसिस्टिंग ऑफ जॉर्जिया आर्मेनिया एंड अजरबैजान ओके देखिए ये वाला जो रीजन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ राइट right? तो दीज आर the region जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है और इसको जब हम जूमआउट करके देखेंगे तो देखिए ये वाला जो रेड वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ओके okay, नागोर्नो काराबाक रीजियन तो ये एक्चुअली एज ऑफ नाउ अज़रबैजान के पास है राइट right? बट आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच काफ़ी सालों से डिस्प्यूट चल रहा था ये ऐसा नहीं है कि आज अचानक से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है पिछले काफ़ी सालों से डिस्प्यूट चल रहा था जस्ट लाइक अवर कश्मीर रीजन राइट जैसा हमारा पीओके के है अभी उस पर हुकूमत किसकी है पाकिस्तान की है बट दैट इज़ डिस्प्यूटेड एरिया तो उसी की तरह दिस इज़ ऑल्सो डिस्प्यूटेड एरिया और जिसका नाम है नागोर्नो काराबाक रीजन ये पूरा जो आपका कंट्री है अजहरबैजान ये है आपका आर्मेनिया सो so की पॉइंट्स क्या है सो नागोर्नो काराबाग रीजन हैज़ नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एज एथनिकली आर्मेनियन एंड इज़ कंट्रोल्ड बाई दैम बट इट इज़ इंटरनेशनली रिकोगनाइज एज अ पार्ट ऑफ अजहरबैजान तो वो इंटरनेशनली अभी किसका पार्ट माना जा रहा है चाहे उसके एथेन्टिसिटी जो है वो कहाँ की है आर्मेनियन की है बट वो इंटरनेशनली वो पार्ट माना जाता है अजहरबैजान का रिलीजियस वहाँ पर कौन सा फॉलो होता है तो आर्मेनिया इज अ क्रिश्चियन मेजोरिटी वाइल अजहरबैजान इज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री तो देखिए रिलजियन रिलीजियस भी एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर ये दोनों के वॉर के लिए होगा एक तरफ पूरे क्रिश्चियन कंट्री होंगे और दूसरी तरफ इस्लाम रिलीजियन होगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या कहता है सो द लीडर्स ऑफ बोथ द नेशंस हैव फ्यूल्ड द इश्यू टाइम एंड अगेन फॉर देयर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट राइट right? जैसे इंडिया और पाकिस्तान में भी हमने देखा है जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अलग रहेंगे नेशनलिज्म के नाम पर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हमारे पाकिस्तान के साथ पूरा जो रिलेशन है वो उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वही चीज़ आर्मेनिया और अजरबैजान में हो रही है वहाँ वहाँ की जो पोलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने अपने पोलिटिकल गेन के लिए समय समय पर इसको फ्यूल देती रहती है कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है ये तो हमारा हिस्सा है राइट अजरबैजान वाला बोलेगा कि आर्मेनिया सीज फायर, फायर कर रहा है और आर्मेनिया वाला बोलेगा अजरबैजान सीज फायर सीज फायर कर रहा है राइट अब हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1920 सो so फ्रॉम 1920 ट्वेंटी नागोर्नो काराबाग ऑटोनोमस रीजन वॉज एस्टाब्लिश्ड विद इन अजहरबैजान बाई देन सोवियत यूनियन तो इन अर्लियर डेज रशिया का भी एज ऑफ नाउ ऑल्सो रशिया का काफी रीजन में इंफ्लुंस आपको देखने को मिलेगा देखिए रशिया काफ़ी नज़दीक है राइट तो रशियन रीजन में Uh, इस एरिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट रशिया का रहेगा एंड दैट्स वाई रशियन पॉलिटिक्स भी आर्मेनिया और अजरबैजान के रिश्ते कैसे रहेंगे उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस डालेगा 1988 में वापस वो मुद्दा उठा नागोर्नोकाराबाक लेजिसलेचर पासड रेजोल्यूशन टू ज्वाइन आर्मेनिया डिस्पाइट द रीजियंस लीगल लोकेशन विद इन अजहरबैजानस बॉर्डर देखिए ये जो रेड रीजियन है वो आर्मेनिया के साथ जा ही नहीं सकता क्यों क्योंकि उसका जो जोग्राफिकल जो प्लेस है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है अजरबैजान के साथ जुड़ा हुआ है 1991 में क्या हुआ दी ऑटोनोमस रीजन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट इट वुड नॉट जॉइन ईदर ऑफ़ द कंट्रीज आफ्टर अ रेफरेंडम विच वाज बॉयकोटेड बाय अजरबैजान वॉर इरप्टेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर द रीजन लिविंग रफली टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ कैजुअलिटीज़ एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूज तो तब से देखिए कितना पुराना तीस चालीस सालों से ये चला ही आ रहा है 1994 में रशिया ने मीडिएट किया रशिया मीडिएटेड अ सीज़ फायर विच हैज़ रिमेन्ड इन प्लेस सिंस। तो 1994 से लेकर 2015-16 तक सब कुछ ठीक चल रहा था 2016 में अगेन वहाँ के पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे वो बदल गए सो इन अप्रैल 2016 द रीजन वाज पर्टिकुलरली टेंस बिकॉज ऑफ वायलेंट फाइटिंग बिटवीन दी टू कंट्रीज विच वाज नोन एज दी फोर डे वॉर और ये इस बार की जो वॉर है वो तो और लंबी चल रही है राइट right? वो और ऑलरेडी दस बारह दिन वॉर स्टार्ट हुए हो चुके हैं अब अजारबाइजान बोल रहे हैं कि हम आर्मेनिया के जो मिलिट्री ठिकाने हैं जो मिलिट्री कैम्प्स है उसके ऊपर सीधा हमला करेंगे ताकि उनकी पूरी मिलिट्री सिस्टम जो है वो वहाँ की ख़त्म हो जाए और अगर जब ऐसा होता है तो सिर्फ वो देश युद्ध नहीं करते जब कोई भी दो देश के बीच मिलिट्री एक्शन होता है तो नॉट ओनली दो टू कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन वॉर बट उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ जितने भी कंट्रीज़ जुड़े होंगे या तो जिस भी कंट्री का इन दोनों में से एक भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उन दोनों ही कंट्रीज़ के इकनॉमी पे या मार्केट पे इसका असर पड़ेगा राइट अब क्योंकि इंडिया और चाइना काफ़ी बड़े कंट्रीज़ हैं और हमारा अब तक पिछले कुछ सालों तक आर्मेनिया और अज़ार के साथ काफ़ी लिमिटेड सा हमारा ट्रेड था बट क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारा ट्रेड दोनों ही कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते जो है वो बेहतर हुए हैं तो इसका असर इंडिया पर भी पड़ सकता है apart from this intermittent ceasefire violations between azerbaijani and armenian troops have caused hundreds of deaths in the past decade ab dekhiye ye ceasefire wale jo news hai wo hamare liye naye nahi hai आए दिन हम न्यूज़ में अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़फ़ायर किया और पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखाता है कि India ने ceasefire किया राइट right, तो ये चीज़ें सीज़ फायर का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से शांति बनी रहनी चाहिए दोनों तरफ से कोई अटैक नहीं करेगा कोई मिलिट्री अटैक नहीं करेगा क्यों क्योंकि जब सीज़ फायर को तोड़ा जाता है जब सीज़ फायर उल्लंघन किया जाता है तो यूज़ुअली मिलिट्री कैजुअलिटीज़ नहीं होती है जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ है जो बॉर्डर के जो रीजन है वहाँ पर जो नॉर्मल सिटीज़न रहते हैं उनको ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उनकी ज़्यादा मौतें होती हैं या वो इंजर्ड हो जाते हैं तो दोनों ही कंट्रीज़ ऐसा नहीं चाहते कि भाई कोई सिविलियन को हानि पहुँचे इसलिए सीज़ फायर का पालन किया जाता है और सीज़ फायर कब तक रहेगा जब तक जो डिस्प्यूटेड एरिया का के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक आपका सीज़ फायर उस एरिया में स्थापित रहेगा इम्पैक्ट क्या होगा तो वो पहले तो क्या होगा जब भी भी वॉर होगा तो, तो दैट विल डी स्टेबिलाइज द रीजियन सो रिन्यूड टेंशन थ्रेटन टू री इग्नाइट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज एंड डी स्टेबिलाईज द साउथ कोकेस रीजन दिस मे कॉज अ सोशल अन इंटरेस्ट इन द रीजन विच इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक राइट और देखिए जब भी रिलीजियस जुड़ जाएगा कोई भी वॉर में तो वो ज़्यादा हानि पहुंचाएगा किसी भी रीजन को सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी होगी क्योंकि जब युद्ध होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मिलिट्री वाले मरेंगे कोई भी कंट्री दूसरे वाले कंट्री के सिविलियन को भी इतना ही नुकसान पहुंचाएगी सो इन दिस डिस्प्यूटेड रीजन देर आर हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन सेटलमेंट्स रेसिडेंट्स ऑफ विच वुड बी डिरेक्टली इम्पेक्टेड एंड पोटेंशियली डिस्प्लेस्ड इफ़ एनी लार्ज स्केल वॉर वर टू ब्रेक आउट बिटवीन दी टू कंट्रीज तो एज ऑफ नाउ देखिए यूएसए रशिया अभी भी इंटरमीडिएट करने की ट्राई कर रहे हैं बट आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही मानने को तैयार नहीं आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि इसके ऊपर क्या अपडेट है तो आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए बिकॉज यह हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा ऑलरेडी वी नो दैट ऑलरेडी कोविड नाइन्टीन की वजह से इकोनॉमी डाउन चल रही थी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ की उसके ऊपर से जब अगर युद्ध होता है अब युद्ध होने से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा कि कोई बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा बिकॉज जब मुझे अपने पैसों की रिटर्न की जब श्योरिटी नहीं होगी कि मैं अगर 100 लाख करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बट अगर कल को और ज़्यादा अगर ये मामला बिगड़ता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर बिगड़ता है तो मैं क्यों मेरा पैसा वहाँ पर अटका कर रखूँगा है ना मैंने अगर दस माले की बिल्डिंग बांधी और बॉम्ब में अगर बॉम्ब फेंक के अगर किसी कंट्री ने उसको उड़ा दी अपोजिट कंट्री ने तो मेरा तो सारा इन्वेस्टमेंट चला गया तो कंट्री में जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इवन जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा बिकॉज ऑफ़ द वॉलेटाइल कंडीशन सो दिस कोड ऑल्सो डिसरप्ट ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट फ्राम द रीजियन सिंस अजहरबैजान इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर टू यूरोप एंड सेंट्रल एशिया देखिए जो पहले ही इमेज मैंने जो आपको रूट बताया राइट तो अजहरबैजान से यूरोप के जो कंट्रीज़ है राइट वहाँ पर ऑयल सीधा सीधा भेजा जाता है तो अगर अजहरबैजान में कुछ होगा तो उसका असर पूरे यूरोप को हो सकता है इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है तो रशिया हैज़ क्लोजर टाइज विद आर्मेनिया वेल टर्की एंड यू एस ए सपोर्ट अजरबैजान राइट अब देखिए जहां पे यू एस और रशिया एक दूसरे के सामने सामने होंगे वहां पे दोनों ही अपने अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट को ठीक ठाक करने की ट्राई करेंगे वहाँ आर्मेनिया भी साइड पर रह जाएगा और अजरबैजान भी साइड पर रह जाएगा सो रशिया हैज़ क्लोजर टाइज विद आर्मेनिया वेल टर्की एंड यू एस ए सपोर्ट अजरबैजान एंड ईरान हैज अ लार्ज अजेरी माइनॉरिटी विच कूड एस्केलेट ए क्राइसिस एंड एंटेंगल एक्टर्स इन्वॉल्व एनी मिलिटरी एस्केलेशन वुड ड्रॉ रीजनल पावर्स लाइक टर्की एंड रशिया मोर डिप्लिन टू दी कॉन्फ्लिक्ट अगर पाकिस्तान डिस्टेबिलाईज है तो इंडिया में उसका असर हुए बिना नहीं रह सकता अगर श्रीलंका डिस्टेबिलाईज है तो उसका असर सदर्न स्टेट्स में हुए बगैर नहीं रह सकता अगर बांग्लादेश में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है या दंगे फसाद चल रहे हैं या मिलिट्री अनरेस्ट है तो उसका असर जो बॉर्डरिंग रीजन है इंडिया के वहाँ पे हुए बगैर नहीं रह सकता एंड दैट्स वाई जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है वो हमेशा ट्राई करेंगे कि उसका नेबरहुड हमेशा पीसफुल रहे तो इसीलिए इंडिया इतना सारा इन्वेस्टमेंट अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में करता है नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार क्यों वरना इंडिया को क्या ज़रूरत है राइट right? बट क्योंकि इंडिया के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन कंट्रीज़ में छुपे हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट

इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट होगा तो पहले इंडिया और आर्मेनिया के बारे में देखते हैं सो इन रीसेंट ईयर्स इंडियन आर्मेनियन बायोलिट्रल कॉपरेशन हैज़ बीन रैपिड हैज़ सीन द रैपिड ग्रोथ ओके सो आफ्टर 2014 हमारा एक ही एम था कि जिस भी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड कम है या हमारे बायोलेट्रल रिलेशन अटके पड़े हैं या इतने अच्छे नहीं है उसको सुधारना है या उसको आगे लेकर जाना है सो so आफ्टर 2014 पिछले छः सात सालों में हमारे जो आर्मेनिया के साथ रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। द देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड येरेवेन आर्मेनिया इन 2017। सेवेंटीन आर्मेनिया बॉट द इंडिया स्वाथी मिलिट्री रडार सिस्टम इन मार्च 2020। तो मार्च 2020 में आर्मेनिया जैसे कंट्री ने देखिए इंडिया से अपने मिलिट्री के लिए कुछ सामान खरीदा और वो क्या था स्वाथी रडार सिस्टम इन मार्च 2020 मेनी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी इन आर्मेनियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड इन रीसेंट ईयर्स आर्मेनिया हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीजिंग फ्लॉ ऑफ़ इंडियन लेबर माइग्रेंट्स क्यों क्योंकि वहाँ पे लेबर की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन लेबर्स को मिलेगी फॉर आर्मेनिया क्लोज क्लोज रिलेशन विद इंडिया आर वाइटली इंपॉर्टेंट एज इंडिया प्रोवाइड्स अ काउंटर बैलेंस टू दी राइवल स्ट्रेटेजिक एक्सिस बिटवीन अज़रबैजान पाकिस्तान एंड टर्की तो इंडिया के ऑलमोस्ट इन कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशन क्या है ऊपर नीचे होते रहते तो उसको बैलेंस करने के लिए आर्मेनिया को किसकी ज़रूरत होगी इंडिया की ज़रूरत होगी क्यों क्योंकि आर्मेनिया का ऑलरेडी इन तीन कंट्रीज़ के साथ नहीं पटती है तो अगर आर्मेनिया को इन तीन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे तो इंडिया जैसे किसी कंट्री को मीडिएटर के तौर पर वहाँ पर रखना पड़ेगा अजरबैजान के साथ क्या कंडीशन है हमारी सो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको हम आईएनएसटीसी के नाम से जानते हैं अ मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ शिप रेल एंड रोड रूट फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया ईरान अफगानिस्तान अजरबैजान रशिया सेंट्रल एशिया एंड यूरोप जो काफ़ी एंशियट रूट था बट पिछले काफ़ी सेंचुरी से वो बंद पड़ा था राइट right? तो so, वो रूट स्टार्ट करने के लिए सी दिस एंटायर रूट ओके तो उसके लिए हमारे अजहरबैजान के साथ रिलेशन जो है वो उसके साथ हमने ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन किया हुआ है अजहरबैजान इज़ अ डायलॉग पार्टनर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ विच इंडिया इज़ अ मेम्बर ऑफ तो एस में डायलॉग पार्टनर है अजहरबैजान और एस इज़ अ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए क्यों क्योंकि वहाँ पर हम सीधा चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं इन ट्वेंटी एटीन दैन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड विजिटेड बाकू विच इज़ दैपिटल ऑफ अजहरबैजान द फर्स्ट एवर बायोलेक्ट्रल विजिट ऑफ एन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू अजहरबैजान देखिए फर्स्ट एवर बायोलेट्रल विजिट इतने सालों में पहली बार हुई राइट इन ट्वेंटी एटीन इंडियाज़ ओ एन जी सी विदेश इज़ एन इन्वेस्टर इन अजेरी चिराग गुनाशली ऑयल फील्ड्स एंड बाकू तिलीसी केहान पाइपलाइन हावेवर Azerbaijan सपोर्ट्स पाकिस्तान position ऑन the कश्मीर इश्यू तो जब ऐसा कुछ होता है तो कुछ कुछ मुद्दों पर हमारी जो राय है वो नहीं मिलती है बट वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दोज इश्यूज क्यों क्योंकि अजरबैजान जैसे कंट्री के लिए मतलब इंडिया जैसे कंट्री के लिए अजहरबैजान जैसे छोटे कंट्री की राय इतनी मायने नहीं रखती है एंड दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट उसको अपनी फॉरन पॉलिसी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है ओके सो दिस वॉज योर एंटायर हिस्ट्री ऑफ अजरबैजान एंड आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट उसका इंडिया पर और जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो हिस्ट्री हमने देखा नेक्स्ट टॉपिक इज़ भारती स्क्रिप्ट सो so, भारती स्क्रिप्ट इज डिज़ाइंड टू बी अ कॉमन स्क्रिप्ट दैट कैन एक्सप्रेस ऑल द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस तो देखिए बेसिकली ये, ये क्या है कि जो भी द्रविडियन और आर्यन ग्रुप की जो लैंग्वेजेस है मेजर स्टेट गुजराती से लेकर हिंदी मराठी Uh, चारों साउथ के जो स्टेट्स है बंगाली उड़िया ये सारी लैंग्वेज को मिलाकर एक कॉमन स्क्रिप्ट बनाई गई है क्यों बिकॉज इंडिया में जब इंटर स्टेट कम्युनिकेशन की बात आती है तो हमारे पास कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं है वी हैव द डाइवर्स काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स उसको ओवरकम करने के लिए आईआईटी मद्रास के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक स्क्रिप्ट निकाली है विच इज द कॉमन स्क्रिप्ट जो कि भविष्य में यूज हो सकती है एज अ कॉमन ग्राउंड टू कम्युनिकेट राइट सो भारतीय स्क्रिप्ट इज डिजाइंड टू बी अ कॉमन स्क्रिप्ट दैट कैन एक्सप्रेस ऑल द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट रिफर्स टू अ सेट ऑफ लेटर्स यूज फॉर राइटिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज मीनिंग देवनागरी रोमन एट्सट्रा तो इन सारे लैंग्वेज के लेटर्स को मिलाकर यह भारतीय स्क्रिप्ट को बनाया गया है और ये डेवलप किया गया है श्रीनिवासा चक्रवर्ती स्टीम एट आईआईटी मद्रास तो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट ने श्रीनिवासा चक्रवर्ती की निगरानी में इसको डेवलप किया है फीचर्स क्या होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सो so, भारती इज़ अ सिंपल एंड यूनिफाइड स्क्रिप्ट यूनिफाइड का मतलब है हर जगह एक जैसी यूनिफाइड स्क्रिप्ट विच कैन बी यूज टू राइट मोस्ट मेजर इंडियन लैंग्वेजेज एक ही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप सारी इंडियन लैंग्वेजेस में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो इट इज़ डिज़ाइंड यूजिंग सिंपलेस्ट शेप्स ऑफन बोरोइंग सिंपल कैरेक्टर्स फ्रॉम वरियस इंडियन लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश तो सारी स्क्रिप्ट को या सारी लैंग्वेज में जो जो सिंपल सी चीज़ है उसको उठाकर एक कॉमन सी स्क्रिप्ट बना दी गई है स्क्रिप्ट्स सपोर्टेड आर सो कौन सी कौन सी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है सो हिंदी मराठी दोनों ही लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है राइट देवनागरी लिपि में लिखी जाती है देन तमिल आपको ये सारी लैंग्वेजेज याद रखनी है हिंदी मराठी तमिल तेलुगू गुजराती पंजाबी बंगाली, उड़िया कन्नड़ा एंड मलयालम यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी कैसे किया गया है सो so ऑप्टिकल

टूल बनाया गया है कि जो ये सारी लैंग्वेज को आसानी से पहचान सके और उसको रिकोगनाइज करके उसको बाइफरगेट भी कर सके सो ओ सी आर इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ फुल अल्फा न्यूमेरिक रिकोगनीशन ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड बाई सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म जैसे आपने गूगल ट्रांसलेटर देखा होगा कि अगर आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस वहाँ पे डाला या कोई वर्ड डाला तो वो सीधा विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो आपको रिक्वायर्ड लैंग्वेज में वो डिज़ायर्ड लै लैंग्वेज में आपको रिजल्ट दे देगा तो सेम काम आपका ओ करेगा सिग्निफिकेंस क्या होगा सो इट विल हेल्प टू बूस्ट द आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्क्रिप्ट द रोमन स्क्रिप्ट इज यूज एज अ कॉमन स्क्रिप्ट फॉर मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस विच फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन अक्रॉस नेशंस दैट स्पीक एंड राइट दोज लैंग्वेजेस लाइकवाइज कॉमन स्क्रिप्ट फॉर द एंटायर कंट्रीज होप्ड टू ब्रिंग डाउन मेनी कम्युनिकेशन बैरियर्स इन इंडिया राइट right, अब ये कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप तमिलनाडु या कर्नाटक में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी किसी को नहीं आती सो ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फ़ॉर यू इज़ इंग्लिश अब ज़रूरी नहीं है कि गुजरात से अगर कोई गया हो तो उसको अच्छी भली इंग्लिश भी आती हो बिकॉज इंग्लिश इज़ सेकेंडरी लैंग्वेज और इंग्लिश हमें आज तक ज़रूरत पड़ी ही नहीं और ज़रूरी भी नहीं है कि उसको हिंदी भी आती हो अगर आप शहर में रहते हो तो आपको हिंदी आती है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट गांव के लोगों को ज़रूरी नहीं कि हिंदी आती हो तो इस सिचुएशन में उस कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करने के लिए एक यूनिफाइड स्क्रिप्ट का होना काफ़ी ज़रूरी है और ये ऑलरेडी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी ऐसी कॉमन स्क्रिप्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो इंडिया में अमोंग दरियस स्टेट्स भी ये पॉसिबल हो सकता है इसी आइडिया के साथ भारतीय स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया है इट कैन हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस टू ईजीली रीड इन इंडियन लैंग्वेजेज़ इट इज़ आइडियल स्क्रिप्ट फॉर लैंग्वेजेज लाइक कोकनी और टुल्लू दैट डोंट हैव देयर ओन स्क्रिप्ट राइट अब देखिए ऐसा कैसे तो ले लीजिए आप कच्ची लैंग्वेज ले, ले लीजिए या सिंधी लैंग्वेज ले, ले लीजिए तो उनकी कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं है वो बोली अलग भले ही जाती है बट उसकी कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं है तो वैसी लैंग्वेज को भी सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे क्या होगा हेल्प मिलेगी इट कैन सर्व एज अ राइटिंग सिस्टम फॉर दी इन्यूमरेबल ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया एंड लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो इट कैन एक्ट एज अ लिंक स्क्रिप्ट फॉर माइग्रेंट इंडियंस हु मूव आउट ऑफ देयर नेटिव स्टेट फॉर वर्क जैसा कि अभी मैंने आपको कर्नाटक गुजरात और तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया इट कैन कनेक्ट द मिलियंस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन चिल्ड्रेन बैक टू इंडियन लिटरेचर इट कैन लीड टू न्यू सिस्टम ऑफ ब्रेल फॉर इंडियन लैंग्वेज और इवन अ फिंगर स्पेलिंग सिस्टम फॉर हियरिंग इम्पेयड तो जो मूक बधिर लोग हैं विजुअली इम्पेयर लोग हैं उनके लिए भी एक नई स्क्रिप्ट की दिशा यहाँ से खुल सकती है इट कैन शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स फ्रॉम सिक्स मंथ्स टू फ्यू वीक्स एज द स्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न तो ये जल्दी से कोई भी इंसान सीख सकता है तो लिटरेसी रेट बढ़ाने में भी इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा होगा ओके सो इट वॉज क्वाइट एन ईजी टॉपिक फॉर अस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 सो बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक परिपत्र पब्लिश किया है गाइडलाइंस पब्लिश की है किस तरीके से डिफेंस का जो पैसा है उसको अलॉट किया जाएगा उसको कैसे एक्सपेंस आपको करना है तो उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट की एक गाइडलाइंस डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई है रिसेंटली न्यू डिफेंस एक्विजेशन प्रोसीजर जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे डीएपी, जिसको पहले कहा जाता था डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर और डीपी प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी चीज को खरीदना या किसी चीज का कंट्रोल लेना अपने हाथ में वॉज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो डीएपी को रिलीज किया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस so the dap contains policies and procedures for procurement and acquisition from the capital budget of the mod in order to modernize the armed forces including the coast guard to jo hamari military hum kafi pichle ek ded saal se we have already covering this particular news ke hamare jo military hai navy hai उसको धीरे धीरे मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि आने वाले सालों में अगर हमारे जो नेबरिंग countries हमें अगर trouble cause करेंगे तो हम 10 साल पीछे ना रह जाए हमारे मिलिट्री डेवलपमेंट में और उसके लिए जो पैसा जाएगा उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होगी कैसे मिलिट्री को स्टेप बाय स्टेप मॉडर्नाइज़ किया जाएगा उसकी गाइडलाइंस है ये डी इन सिंपल टर्म्स सो डी ए पी कंटेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोक्योरमेंट क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पांच मेजर डिपार्टमेंट है और काफ़ी छोटे छोटे और डिपार्टमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को काम करना पड़ता है तो जब तक कोई एक यूनिफाइड या नॉर्मल गाइडलाइन नहीं होगी एक समान गाइडलाइन नहीं होगी तो काफ़ी सारे फिनंस के इशू आ सकते हैं अथॉरिटी के इशू आ सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इशू आ सकते हैं क्योंकि डिफेंस का मामला है तो दैट्स वाई देर इज़ अ नीड कि हर साल प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसीजर है उसका एक प्लान रेडी हो एक फर्मा रेडी हो एंड दैट्स वाई ये डी को पब्लिश किया जाता है और इसमें देखिए आर्म्ड फोर्सेज के साथ साथ मीनिंग आपकी मिलिट्री नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ कोस्ट गार्ड को भी आने वाले सालों में मॉडर्नाइज किया जाएगा बैकग्राउंड क्या है इसका सो द फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वॉज प्रोम्यूगेटेड इन टू थाउजेंड एंड टू अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिरेक्टर जनरल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ट्वेंटी सिक्सटीन डी पी पी ट्वेंटी सिक्सटीन वॉज रिलीज रिप्लेसिंग द डी पी पी ट्वेंटी थर्टीन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ धीरेन्द्र सिंह कमेटी तो आपको ये कमेटी का नाम याद रखना है कि धीरेन्द्र सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के चलते दो हज़ार तेरह का जो डी पी पी था उसको रिप्लेस करके दो हज़ार सोलह का डी पी पी लाया गया था और अब जो डी पी पी था उसका नाम बदल कर डी ए पी कर दिया गया है ओके डी पी पी डी डी पी पी इज दिस सेम थिंग जस्ट उसका नाम में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया गया है सो so, धीरेन्द्र सिंह कमिटी ने जो जो सुझाव दिए थे उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया था इन डी पी पी ट्वेंटी सिक्सटीन इट फोकस्ड ऑन इंडिजीनियसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम और 2014 से तो हमारा तो आइडिया ही यही था कि डिफेंस भी हमारा पूरा कहाँ पर बनेगा इंडिया में ही बनेगा राइट और जो मेजर मिलिट्री के जो संसाधन हैं वो हम आने वाले कुछ सालों के लिए यू या रशिया से लेंगे या फ्रांस से लेंगे या जर्मनी से लेंगे बट आज से दस साल या बीस साल बाद हमें वो पैसा उन कंट्रीज़ को नहीं देना है अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ही हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वी विल बी इन पोजीशन कि हम हमारे आसपास के जो छोटे कंट्रीज़ है एशिया पैसिफिक के जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको मिलिट्री सप्लाई हम लोग दे पाए तो उसी के लिए ये सारी गाइडलाइंस है और फोकस यही था राइट इट वॉज़ फेसिंग सेवरल इश्यूज़ लाइक लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया ऑथोरिटी किसकी है कितने भाव में लिया सरकार ने किसने सरकार की तरफ से कितना प्राइस दिया गया था कि कितनी कंपनियों ने कोटेशन दिया था सरकार ने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ही क्यों चिना राफेल मामले में हमने काफ़ी सारी बहसें देखी लोकसभा और राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा उसके चलते एक नई गाइडलाइंस रिवाइज्ड गाइडलाइंस देश के सामने रखी गई है इनकन्वीनियंट ऑफसेट रेगुलेशं एटसेट्रा जब अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल के साथ जब जोड़ा गया था ऑफसेट के मामले में तब राहुल गांधी ने काफ़ी सवाल उठाए थे उस पर जो कि पीछे से सारे आरोप झूठे साबित हुए क्योंकि हमारे उस टाइम की फिनेंस डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारामन उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि हाउ राफेल डील वॉज मेड और क्यों हमें सस्ता बढ़ा है राफेल डील और हमें ऑलरेडी राफेल आता हुआ दिखा पिछले महीने में ऑब्जेक्टिव क्या था टर्निंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बेसिकली अलाइंड विद द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड एम्पावरिंग इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो देखिए मेक इन इंडिया तो काफ़ी पिछले चार पाँच सालों से हम चलता हुआ हमें दिखता है मेक इन इंडिया के साथ साथ उसका जो अपडेटेड वर्जन है दैट इज आत्मनिर्भर भारत कोई नई चीज़ वहाँ पे नहीं है उसका नए कपड़े पहनाकर मेक इन इंडिया को आत्मनिर्भर भारत के नाम से वापस री लॉन्च किया गया है क्या क्या फीचर्स होंगे डी के सो फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग बाई सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टू सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड टू स्ट्रीम लाइन द एक्विजिशन प्रोसेस ओके अगर मुझे तीन साल में कोई मान लीजिए कि दस जहाज़ अगर बनाकर गवर्नमेंट को देने हैं तो जनरली क्या होता है कि सरकारी काम ऐसे होता था अब तक कि दो साल में देने होते थे उसके दो साल के चार साल छः साल होते होते दस साल तक भी जो गवर्नमेंट ने जिसको ऑर्डर दिया था जिस कंपनी को गवर्नमेंट को वो शिपमेंट नहीं दे पाती थी तो इस वजह से क्या होता था एक तो डीले होता था बीच में ट्रांसपेरेंसी की के अभाव से करप्शन बढ़ जाता था कॉस्ट बढ़ जाता था तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए फास्टर डिसीजन मेकिंग के ऊपर जोर दिया गया है रिवाइज ऑफसेट गाइडलाइंस सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्लीट डिफेंस प्रोडक्ट्स ओवर कंपोनेंट्स एंड वरियस मल्टीप्लायर्स गिवन इंसेंटिवाइजेशन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफसेट्स तो जैसे कि रफ़ेल का एक सिंपल अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो रफ़ेल कंपनी को हमने क्यों चुना फ्रांस की जो डसॉल्ट कंपनी उसको हमने क्यों चुना तो जब अग्रीमेंट बना तो उस अग्रीमेंट में लिखा गया कि हम आप आपसे एक्स वाई जेड करोड़ का अगर रफेल ले रहे हैं तो आने वाले दस सालों तक आपको इंडिया की किसी कंपनी के साथ व्यापार करना पड़ेगा और फॉरेन करेंसी इंडिया में देनी पड़ेगी दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑफसेट ऑफसेट के बगैर आज के टाइम में कोई भी कंट्री अग्रीमेंट नहीं करेगा अगर मैं आपके साथ सौ करोड़ की डील कर रहा हूँ तो आपको तीस परसेंट या चालीस परसेंट ऑफसेट का व्यापार मेरे देश के किसी कंपनी के साथ करना ही पड़ेगा तभी तो दोनों कंट्रीज़ को फायदा होगा ना वरना तो एक हमेशा बेच बेचता हुआ दिखेगा और एक हमेशा खरीदता हुआ दिखेगा राइट right, अब इंडिया के फ्रांस के बीच में जब कोई अग्रीमेंट होगा तो इंडिया के पास कितना कुछ है फ्रांस को देने के लिए तो इंडिया उसको फ़ायदा उठाएगा कि भाई मैं फ्रांस को क्यों ऑर्डर दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझे सामने ये फायदा करवाओगे तब जाके मैं फ़्रांस को डिफेंस का इतना बड़ा थाउजेंड्स ऑफ़ करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर दे रहा हूँ शिपमेंट आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ अदरवाइज तो मेरे पास और दस कंपनी बड़े हैं राइट चलिए सो फर्दर देर विल बी नो ऑफसेट क्लॉज इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिंगल वेंडर एंड इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट्स ऑफसेट आर अ पोर्शन ऑफ अ कॉन्ट्रेक्टेड प्राइज विथ अ फॉरन सप्लायर दैट मस्ट बी री इन्वेस्टेड इन द इंडियन डिफेंस सेक्टर और अगेंस्ट विच द गवर्नमेंट कैन परचेज टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी राफेल के मामले से मैंने आपको देखिए री इन्वेस्टेड के टर्म से आपको समझ में आ जाना चाहिए जिसमें यहाँ हमारे यहाँ कंपनी थी अनिल अंबानी की कंपनी को रखा गया था जिसके ऊपर काफ़ी लोकसभा में और राज्यसभा में काफ़ी हल्ला मचा था उस टाइम पर आज से दो साल पहले दो हज़ार में

सिंगल वेंडर जहाँ पे इंक्लूड होगा वहाँ पे द ऑफसेट पॉलिसी फॉर डिफेंस डील्स वॉज अडोप्टेड इन 2005 थाउजेंड एंड फाइव फॉर ऑल डिफेंस कैपिटल इम्पोर्ट्स अबो रुपीज थ्री हंड्रेड करोर अंडर विच द फॉरन वेंडर इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ़ द वैल्यू ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ कर रहा हूं डिफेंस के लिए तो उसको मिनिमम 30% वापस मेरे देश में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल वो एग्रीमेंट आगे जाएगा ही नहीं दैट इज़ अवर रूल ऑफसेट क्लॉज वॉज हिंडरिंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सी ए जी रिपोर्ट रियलाइज रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग स्कोप ऑफ ट्रायल्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल इवेल्यूएशन ऑफ कोर ऑपरेशनल पैरामीटर्स तो जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होगा वो भी अब क्या कर दिया गया है थोड़ा स्ट्रिक्ट uh, बना दिया गया है उसको क्यों क्योंकि अब आज मैंने रफेल फ्रांस से मंगवाए आज से पचास साल बाद भी अगर मुझे रफ़ेल फ्रांस से ही लेने पड़े तो मेरे कंट्री ने क्या ही डेवलपमेंट किया इंडिया वो नहीं चाहता इंडिया ये चाहता है कि एक बार जब हमने आपको अगर बीस हज़ार करोड़ या चालीस हज़ार कर, करोड़ रुपए का मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो आपको साथ में मुझे उसकी टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी ताकि आने वाले सालों में मेरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जाए कि आने वाले दस सालों में बीस सालों में मैं सौ रफेल अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकूँ और जब अपने यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो आत्मनिर्भर भारत को क्या करेगा बूस्ट करेगा जो लोकल इकोनॉमी है लोकल डिफेंस मेकेनिज्म जो है हमारा वो धीरे धीरे बढ़ेगा और ना ही सिर्फ लोकल डिफेंस मेकेनिज्म बढ़ेगा वी कैन सेल दोज आइटम्स छोटी छोटी जो टेक्नोलॉजी होगी छोटे छोटे जो साधन होंगे मिलिट्री से रिलेटेड वो आसपास के कंट्रीज़ को हम बेच भी सकेंगे तो उससे हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी अभी तक हमारी डिफेंस इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो है या With comparison to our expenditure, our expenditure. आप मान लीजिए विथ कंपेरिजन टू अवर एक्सपेंडिचर अवर डिफेंस एक्सपेंडिचर इसीलिए हमारा डिफेंस बजट आप देखिए कितने थाउजेंड्स ऑफ करोर्स में होता है बट जब वो घर में ही होगा अगर हम सारी चीज़ें घर में ही बनाकर घर में ही यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद लोगों को अगर बेचेंगे ऑर्डर लेकर जैसा इसरो कर रहा है तो वही चीज़ अब डिफेंस में भी लाई जाएगी बट डिफेंस का मामला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है इसीलिए उसके जो रूल्स होंगे वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएंगे और थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होंगे टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव रिजर्वेशन इन कैटेगोरीज फॉर इंडियन वेंडर्स सो सम कैटेगोरीज लाइक बाई प्रोडक्शन एजेंसी इन डिज़ाइन डेवलपमेंट एट्सेट्रा विल बी एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर इंडियन वेंडर्स एंड एफ डी आई ऑफ मोर देन फोर्टी इज नॉट अलाउड तो कुछ कुछ एरियाज़ है जहाँ पे 49% से ज़्यादा कोई फॉरन की कंपनी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स तो कुछ आइटम को इंडिया में मंगाने के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है तो अगर मुझे चाहिए होगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे इंडिया में ही उसको बनाना पड़ेगा सो विथ अ व्यू टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंडिजीनियस इंडस्ट्री द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स बैंड फॉर इम्पोर्ट इंडिजनाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट स्पेयर स्टेप्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स इन इंडिया हैव बीन टेकन this includes establishment of co-production facilities through intergovernmental agreements, achieving import substitution and reducing life cycle cost. Life cycle cost जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो repairing या maintenance का खर्चा होता है, वो भी हम अभी manufacturing company को हमें देना पड़ता है. Now we don't want that. We want to be capable कि भाई वो सारी चीज़ें इंडियन लोग ही कर लेंगे आप एक बार सामान सप्लाई कर दो उसके बाद की सारी चीज़ें हम देख लेंगे फिर आपके असिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है क्यों ज़रूरत नहीं क्योंकि असिस्टेंस के साथ सीधा आपका पैसा जुड़ा हुआ है जितने साल में उसका असिस्टेंस लोग उतना पैसा मुझे उस कंपनी को देना पड़ेगा तो फॉरेन में वो पैसा देने से अच्छा है कि मैं अपने यहाँ वो स्किल डेवलप कर लूँ कि अपने लोगों को वो मैं पैसा दे पाऊँ राइट तो देखिए ये जो है वो अलग अलग सेक्टर में इतना एफ अवेलेबल है और इतना एफ की लिमिट है तो आप वो एक बार मेमोराइज़ कर सकते हैं उसको नेक्स्ट इज ई ये भी एक हमारे लिए अपडेटेड न्यूज़ है ई पी एफ ओ न्यू फैसिलिटी ऑन उमंग ऐप उमंग एप्लीकेशन ऑलरेडी हमें पता है कि काफ़ी सारे सेंट्रल uh, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है आधार कार्ड से लेकर e, uh, प्रोविडेंट फंड तक की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है सो रिसेंटली दी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नोन एज ई पी एफ ओ हैज़ स्टार्टेड अ फैसिलिटी ऑन दी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस विच इज़ नोन एज उमंग एप्लीकेशन विच एनेबल्स मेम्बर्स ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नाइनटीन नाइनटी फाइव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द स्कीम सर्टिफिकेट्स अभी देखिए आपको पता होगा कि कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में काफ़ी लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड निकालने पड़े क्यों क्योंकि उनके पास इनकम नहीं थी और घर चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए यूजुअली आप प्रोविडेंट फंड को जनरली कोई इंसान नहीं छूता है उसको रिटायरमेंट के लिए बचा के रखता है बट ये पेंडेमिक में सिचुएशन ऐसी हो गई कि काफ़ी लोगों की जॉब चली गई और काफ़ी लोगों की इनकम बंद हो गई तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि आप अपने प्रोविडेंट फंड से एक लिमिट तक का पैसा निकाल सकते हो सो ई पी एस इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट वॉज लॉन्च्ड इन नाइनटीन नाइनटी फाइव एंड इज प्रोवाइडेड बाई ई पी एफ ओ इट मेक्स प्रोविजन्स फॉर पेंशन फॉर द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ फिफ्टी एट ईयर्स तो अगर आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है तो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलरली हर महीने जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से तय करेगा उस हिसाब से आपको हर महीने पेंशन मिलता रहेगा चाहे आप प्राइवेट कंपनी में भी, भी क्यों काम ना कर रहे हो ओके okay? बशर्ते कि आप हर जब अट्ठावन साल तक टिल द एज ऑफ फिफ्टी एट ईयर्स आपकी कंपनी ने आपका पीएफ काटा हो आपकी सैलरी से एवरी मंथ ओके और ये ऑलरेडी उमंग एप्लीकेशन हमें पता है तो देखिए उमंग एप्लीकेशन आपको फिलिंग इनकम टैक्स ई पी आधार पेंशन ई पाठशाला लैंड रिकॉर्ड्स क्रॉप इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगी ओके okay, तो ये डिजिटल इंडिया वाली जो हमारी स्कीम है उसके अंडर इसको कुछ सालों पहले इसको लॉन्च किया गया था सो दिस इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी नेक्स्ट इज़ यू यू ए मून मिशन पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने यू के होप मिशन के बारे में चर्चा की थी कि यू अब प्रिपेयर कर रहा है कि वो मंगल पर अपना एक मिशन भेजेगा जिसको नाम दिया गया है होप मिशन दूसरा एक मिशन वो स्टार्ट कर रहा है बाई दर ईयर 2024 और वो है मून मिशन अभी तक एज ऑफ नाउ इसका कोई नाम तय नहीं किया गया है इसलिए हम उसको मून मिशन के नाम से स्टडी करेंगे सो रिसेंटली द यूनाइटेड अरब अमीराट्स हैज़ डिसाइडेड टू सेंड एन अनमेड स्पेस क्राफ्ट टू दी मून इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके द रोवर वुड बी नेम्ड राशिद आफ्टर शेख राशिद अल मखतुम वन ऑफ द ओरिजिनल फाउंडिंग रूलर्स ऑफ द यू ए तो पूरे मिशन का नाम अभी डिसाइडेड नहीं है बट उसमें जो रोवर भेजा जाएगा जैसे हमने चंद्रयान में जो लैंडर का नाम था रोवर का नाम था उसी हिसाब से इसका भी नाम क्या रखा गया है राशिद नाम रखा गया है उनके फाउंडिंग रूलर के ऊपर से रोवर इज अ व्हीकल फॉर एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट और मून एम क्या होगा सो द रोवर विल एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ द मून इन एरियाज दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड प्रीवियसली बाय ह्यूमन मिशन सच एज नासाज अपोलो पार्टिसिपेटिंग इन मून एक्सप्लोरेशन इज़ ए पार्ट ऑफ़ द यू ए स्पेस स्ट्रेटेजी टू बिल्ड न्यू नॉलेज केपेबिलिटीज़ इन एडवांस द कंट्रीज साइंटिफिक टेक्निकल एंड रिसर्च एनवायरमेंट तो देखिये जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है वो यूजअली पिछले चालीस पचास सालों में ही रिच हुए हैं जब से वहाँ पर तेल के कुएँ मिले हैं उसके बाद ही वो लोग सडनली रिच हुए हैं अब तक उनके पास इतना कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं था काफ़ी सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उनके पास अभी भी इतना सारा साइंटिफिक नॉलेज नहीं है दे डिपेंड ऑन अदर डेवलप कंट्रीज लाइक चाइना है रशिया है या इंडिया है यू है तो उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं अगर उनको कोई सेटेलाइट लॉन्च करना है मान लीजिए उनको अपना कोई जी सिस्टम लॉन्च करना है तो वो लोग क्या करेंगे किसी ऐट से डेवलप्ड कंट्री को पैसा दे देंगे पूरा डेवलपमेंट के लिए और उसको अपने कंट्री के ऊपर वो सैटेलाइट को बिठा देंगे तो अब वो वो लोग भी ये चाहते हैं कि भाई कब तक ऐसा पैसा लोगों को देते रहेंगे वी ऑल्सो शुड लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स तो वो लोग धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसी की वजह से मून मिशन और होप मिशन दोनों ही हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में साथ साथ पढ़ा है फोर्थ नेशन होगा सो इफ सक्सेसफुल इन 2024 ट्वेंटी फोर the uae could become the fourth nation to land a spacecraft on the moon after usa the former soviet union and china india israel and japan have tried but failed in landing a spacecraft on the moon hamara chandrayaan 2 failed right. प्लान टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून चंद्रयान टू वॉज लॉन्च बाई इंडिया इन ट्वेंटी नाइनटीन हवेवर दी लैंडर विक्रम हार्ड लैंडेड क्रैश हो गया था टू पॉइंट वन किलोमीटर की दूरी तक पहुँच गया था और उसके बाद वो क्रैश हो गया था सो हवेवर द लैंडर विक्रम हार्ड लैंडड विच क्रस्ड इंडियाज ड्रीम टू बिकम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली टच डाउन दूनर सर्फिस इन दी मेडन अटेम्प्ट इंडिया हैज़ प्लान अव मून मिशन नेम्ड चंद्रयान थ्री इट इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट वील बी अट ऑफ चंद्रयान टू एंड वील इन्क्लूड अ लैंडर एंड रोवर सिमिलर टू दैट ऑफ चंद्रयान टू बट वील नॉट हैव एन ऑर्बिटर क्यों क्यों वी हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली प्लेस्ड द ऑर्बिटर इन द मून्स ऑर्बिट तो अब ऑर्बिटर के पीछे वापस खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए चंद्रयान टू जो होगा वो वजन में हल्का भी होगा और कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट के परस्पेक्टिव से वो ज़्यादा सस्ता भी होगा राइट तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान चंद्रयान टू में आर्टमिस इज अ क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ नासा आटमिस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही पिछले वीक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आर्टमिस इज अ क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ नासा दैट हेज़ दी गोल ऑफ लैंडिंग द फर्स्ट वूमन एंड दी नेक्स्ट मैन ऑन दी मून स्पेसिफिकली एट दी ल्यूनार साउथ पोल रीजन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देखिए इंडिया स्टिल हैज़ ए चांस टू बिकम अ फर्स्ट कंट्री जो कि ल्यूनार पोल पर जो कि चंद्र के साउथ पोल पर पहुँचेगा अगर हमारा चंद्रयान थ्री सक्सेसफुल हो जाता है राइट right? क्योंकि अभी तक कोई कंट्री साउथ पोल पर नहीं पहुँच पाया है सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया है और आटमिस मिशन जो है वो सीधा मैंड मिशन है मतलब वहाँ पे पहली महिलाओं और आदमी को भेजा जाएगा दक्षिण चंद्र के विच इज द फार साइड ऑफ द मून और यू ए स्पेस मिशन जो कि मैंने आपको बताया हो होप मिशन दिस इज ऑल्सो फॉर योर सेल्फ स्टडी बिकॉज हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं तो जस्ट एक बार आपको उसको रिवाइज कर देना है और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपके नोट में इसको अपडेट कर लीजिए नेक्स्ट इज़ ब्रह्मोस टेस्टिंग पिछले काफ़ी दिनों में हमें काफ़ी सारी खबरें मिल रही है कि काफ़ी सारी मिसाइल्स के सक्सेसफुल टेस्टिंग डी कर रहा है सो ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विच इज़ सरफेस टू सरफेस काइंड वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट बालासोर इन उड़ीसा इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन the डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज drdo and the npom एंड दी एन ऑफ रशिया और ब्रह्मोस का जो नाम है वही उसमें रशिया और इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है ब्रह्मोस इज नेम्ड ऑन द रिवर्स ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम इंडिया एंड मॉस्कवा फ्रॉम रशिया इट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मैक टू नियरली थ्री टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड और देखिए ये हालात में ये क्यों ज़रूरी है ऐसे टेस्टिंग सक्सेसफुल टेस्टिंग बिकॉज चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री जो आजकल काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट खड़े कर रहे हैं इंटेंशनली उन लोगों को दिखाने के लिए दैट वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर मिलिट्री बेस अगर आप इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे और इजीली जीत जाएंगे so that is not the case in upcoming future so it is the world's fastest supersonic cruise missile it is a multi platform मीनिंग इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एयर एंड सी एंड मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी दैट वर्क्स इन बोथ डे एंड नाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है इट इज़ देर फोर यूज बाई ऑल थ्री फोर्सेज द आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स इट ऑपरेट्स ऑन द फायर एंड फरगेट प्रिंसिपल आई डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च एक बार आपने बोल दिया कि भाई दिस इज़ द टारगेट एक बार आपने फीड कर दिया उस मिसाइल में तो फिर आपको कोई फर्दर कमांड देने की ज़रूरत नहीं है आपको एक बार आपने यहाँ से स्विच दबा दिया वो लॉन्च हो गया वो अपने टारगेट को ख़त्म करके ही छोड़ेगा इट इज़ दी हैवीएस्ट वेपन टू बी डिप्लॉयड ऑन सुखोई थर्टी एम के आई फाइटर एयरक्राफ्ट विथ अ वेट ऑफ टू पॉइंट फाइव टन्स इट्स रेंज हैज़ बिन रिसेंटली एनहेंस्ड फ्रॉम थ्री हंड्रेड किलोमीटर टू फोर फिफ्टी सिक्सटी किलोमीटर और देखिए इतना इनफ है अगर हम मुझे चाइना को कवर करना है या इस सेट पाकिस्तान को कवर करना है तो अगर मैं बॉर्डर पे लद्दाख बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डरिंग बेस पे अगर इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ तो पूरा मेरा साढ़े चार सौ छः सौ किलोमीटर की रेंज में इजीली पाकिस्तान और चाइना के बड़े बड़े शहर कवर हो जाएंगे इंक्रीजिंग द मिसाइल्स रेंज

बनाया गया है इंडिया की ही किसी कंपनी ने उसको बनाया है एडवांटेजिज ऑलरेडी मैं आपको बता चूगा ब्रह्मोस डेप्लॉयड इन लद्दाख एज वेल एज इन ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश टू टैकल एनी थ्रेट्स इन द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विथ चाइना एनहांस्ड यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज विल गिव बूस्ट टू इंडियाज आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशियेटिव इंक्रीजिंग इंडिजीनियस कंटेंट इन डिफेंस सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन अ प्राइम फोकस ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो डीएपी के बारे में हमने कुछ मिनटों पहले बात की एंड ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 तो ये एक्चुअली अभी ड्राफ्ट हुई है अभी देश के सामने रखी नहीं गई है आने वाले कुछ समय में इसको भी आ, अच्छी तरह से ड्राफ्ट कर लिया जाएगा विथ दी अमेंडमेंट्स और उसमें पूरी गाइडलाइंस होगी कि अब कौन सी चीज़ें ला सकते हो कौन सी चीज़ें देश में नहीं ला सकते गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा प्राइवेट कंपनीज कैसे डिफेंस सिस्टम में आ सकेगी ये सारी चीज़ें प्रमो आ, प्रमोशन पॉलिसी में डिफेंस प्रमोशन पॉलिसी में पब्लिश की जाएगी नेक्स्ट और एक डेवलपमेंट के न्यूज़ हमें आते हुए दिखे इस वीक दैट इज अटल टनल आपने न्यूज़ में देखा ही होगा द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनागरेटेड द अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश इज रोहतांग विच कनेक्ट्स सोलांग वैली नियर मनाली टू सिस्सू इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट तो दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाएगा दो डिस्ट्रिक्ट और मनाली को जोड़ा जाएगा थ्रू अटल टनल टनल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दी 9.02 पॉइंट जीरो टू किलोमीटर टनल सो ऑलमोस्ट नाइन किलोमीटर टनल इज़ दी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन दी वर्ल्ड अबोव हाइट ऑफ थ्री थाउजेंड मीटर्स तो देखिए इंडिया ने कितना बड़ा माइल स्टोन अचीव किया है ये टनल बनाकर इट कट्स थ्रू अ माउंटेन वेस्ट ऑफ़ द रोहतांग पास एंड विल शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन सोलांग वैली एंड सीसू बाय अराउंड फोर्टी सिक्स किलोमीटर एंड विल टेक अराउंड फिफ्टीन मिनट्स टू कवर अर्लियर इट वुड टेक नियरली फोर आवर्स टू ट्रैवल बिटवीन द टू पॉइंट्स अब देखिए चार घंटे का जो सफ़र था उसको सीधा पंद्रह मिनट में कवर किया जा सकेगा अब इससे आप सोच सकते हो कि कौन से कौन से एस्पेक्ट में हमें फ़ायदा मिलेगा टूरिज्म बढ़ेगा इकोनॉमिकली हमें सस्ता पड़ेगा ये चीज़ ट्रेड बढ़ेगा धीरे धीरे तो वो सारी चीज़ें अटल टनल से हमें फ़ायदा मिलेगा सिग्निफिकेंस क्या है सो ऑल ईयर कनेक्टिविटी अब ये रीज़न ऐसा है कि जब बर्फ पड़ता था तो ड्यू टू लैंड काफ़ी सारे हाईवेज बंद हो जाते थे तो एक सिटी के साथ दूसरे सिटी का जो कांटेक्ट था रोड के थ्रू वो क्या होता था टूट जाता था बट क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा ऑल ईयर कनेक्टिविटी हमें मिल पाएगी द अटल टनल इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ऑल ईयर कनेक्टिविटी टू लद्दाख द टनल हैज़ द पोटेंशियल टू लिंक लद्दाख टू मनाली एंड चंडीगढ़ थ्रू आउट द ईयर एज इट वुड बाईपास रोहतांग पास विच इज स्नोड इन थ्रू दी विंटर मंथ्स स्ट्रेटेजिक भी होगा क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरियाज के नजीक नज़दीक है The tunnel provides a strategic advantage to the country's armed forces by providing year-long connectivity to border areas. It will save the entire day for troops and supplies as they move towards forward post. Basic facilities वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से मिल पाएगी। एक एरिया की कोई चीज़ है वो इजीली दूसरे एरिया तक आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे। बोन फॉर फार्मर्स, so the drop in travel time will help many, especially farmers whose precious crop like पीस एंड पोटेटोज विल नो लॉन्गर रॉट इन ट्रक्स बिफोर रीचिंग दी मार्केट तो उनकी फसल को भी कम टाइम में डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद मिलेगी और टूरिज्म को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा राइट लोग ये टनल देखने के लिए भी अगर वहाँ तक जाते हैं तो भी ये टनल का बनना सफल माना जाएगा तो ये आपको अटल टनल के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी है दो जो उसके एंड पॉइंट हैं वो खास याद रखने हैं आपको रोहतांग से लेकर सिसु जो कि है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करेगा तो सिसु और रोहतांग को ये टनल जोड़ रही है ये ख़ास आपको याद रखना है और कौन से कौन से नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और कौन से कौन से पास है पास का मतलब सिंपली ये है कि वहाँ पे सिग्निफिकेंटली हाइट चेंज हो रही होगी राइट right? तो उसको पास माना जाएगा बनिहाल पास बारा लाचाला पास फोटूला पास, रोहतांगस पास, शिपकीला पास नाथूला पास ये ऑलमोस्ट बॉर्डर एरियाज में ये पास बनाए गए हैं और काफ़ी हाइट पे ये बने हुए हैं राइट right? तो ये आपको एक ध्यान में रखना है कि वो कौन से कौन से एरियाज़ को जोड़ते हैं और अगर उसके खास फीचर्स क्या है तो वो एक बार वो टेबल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट जो टॉपिक है एक छोटा सा इजी टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज बोंगो सागर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया सो द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोंगो सागर बाइलेट्रल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज स्केड्यूल्ड टू कमेंस इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल ऑन थर्ड ऑफ अक्टूबर तो जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा ऑलरेडी इट इज एन ऑन गोइंग नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कमेंसडेट उसकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है थर्ड अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश उसका प्लेस कौन सा है नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल इट्स फर्स्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन ट्वेंटी नाइनटीन एम क्या है टू डेवलप इंटर ऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स थ्रू द कंडक्ट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मेरी टाइम एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे सो इंडिया साइड से नेवल शिप्स फ्रॉम बोथ दी कंट्रीज अलोंग विद दी मेरी पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज इट विल बी फॉलोड बाय द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वेर इन बोथ कंट्रीज विल अंडरटेक टेक जॉइंट पेट्रोलिंग अलॉन्ग द इंटरनेशनल मेरी बाउंड्री लाइन तो काफ़ी सारे जहाज जो है वो इसके इस एक्सरसाइज में जुड़ेंगे फ्रॉम बोथ दी कंट्रीज कारपोरेट्स हैव स्ट्रेंथन्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ दी नेवीज एंड इंस्टिट्यूटेड मेजर्स टू स्टॉप दी कंडक्ट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ तो जब पेट्रोलिंग होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें दोनों कंट्रीज़ को पता चलेगी कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है या कोई और कंट्री चाइना जैसा जो कंट्री है वो मेरी बाउंड्री लाइन जो है नेवल लाइन जो हमारी है जो नेवल सीमा जिसको कहा जाएगा तो उसमें घुसकर तो कुछ अपना एरिया बढ़ा नहीं रहा है ना तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलिंग में मदद करेगी दिस एक्सरसाइज रिफ्लेक्ट्स द प्रायोरिटी दैट इंडियन नेवी अकॉर्ड टू द बांग्लादेश नेवी एज अ पार्ट ऑफ द सागर विजन ऑलरेडी हम सागर के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजियन तो ये इंडिया का एक विजन है कि जो भी हमारे कोस्ट uh, के थ्रू जो भी जुड़े हुए कंट्रीज है बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका फिलीपींस मालदीव तो ये सारे कंट्रीज़ को इंडिया मदद करेगा ताकि सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो पाए दिस ईयर्स एडिशन अज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन्स इट इज़ बीइंग कंडक्टेड ड्यूरिंग मुजीब बारशो दी हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आई गेस कि आप सबको हिस्ट्री पता होगी ही वॉज दी फाउंडिंग मेम्बर ऑफ बांग्लादेश ठीक है तो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को माना जाता है वैसे ही बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का प्लेस है तो उनकी सौ बर्थ एनिवर्सरी है एंड दैट्स वाई इट्स ऑफ अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इट्स स्ट्रेंदन्स दी क्लोज एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कवरिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस बोथ कंट्रीज शेयर क्लोज कल्चरल बॉन्ड्स एंड अ शेयर्ड विजन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो काफ़ी हमारे रिलेशन यू के टाइम पर भी अच्छे थे और एन डी ए के टाइम नई गवर्नमेंट आई है जब से 2014 में तभी तभी भी हमारे रिलेशन एक नई ऊंचाई पर हैं तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे ही रहते हैं सो दिस वाज योर टूडेज लेक्चर एंड थ्री टॉपिक्स दैट यू आर सीइंग नाउ ऑन द स्क्रीन आर फॉर योर होमवर्क तो सेकेंड अक्टूबर को हमने गांधी जयंती मनाई और गांधी जयंती के साथ साथ हमने लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई विच वॉज नॉट इन द न्यूज़ बट एज अ सिविल सर्वेंट आस्परेंट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जन्म जयंती भी हमने उसी दिन मनाई तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है लाल बहादुर शास्त्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन पोलिटिकल सिस्टम में वो आपको एक बार रिवाइज करना है नेक्स्ट इज ऑन गोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड स्टेट्स स्टैंड तो देखिए पंजाब ने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि हम हमारे स्टेट लॉ में ऐसा बदलाव करेंगे कि ये जो तीन फार्मिंग से रिलेटेड जो विधेयक आए हैं इसके हमने पिछली बार चर्चा की थी और एक स्पेशल लेक्चर में अगले कुछ दिनों में आपको पोस्ट करूंगा जिसमें हम जो मॉनसून सेशन में जो भी बिल्स पास हुए उसकी डिटेल्स की हम चर्चा करेंगे तो कौन से स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं वो आपको एक बार जस्ट न्यूज़ में ऊपर ऊपर से देख लेना है एंड थर्ड टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसको एक बार डिटेल में देख जाइए तो ये तीन टॉपिक आपके होंगे फॉर सेल्फ सेल्फ स्टडी एंड फॉर योर होमवर्क टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू